होनी चाहिए कि ये तिरंगा है, इसका कोई मोल नहीं है, ये बहुमूल्य भी नहीं है, ये अमूल्य है। इसका जो मोल नहीं है, देखिए ये 20 रुपए का है तो इसका ये मोल होगा कि ये 20 रुपए का है, ये कोई नहीं है। इसके इसके ऊपर पैसा कोई वो नहीं बनाता अपनी कीमत। तो इसलिए हम ये अभियान चला रहे हैं हर घर तिरंगा। तो मैं सभी भारतवासियों से, अपने प्रयाग के वासियों से ये निवेदन करूंगी कि अपने घर में ये मैम, इस रैली के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हो? यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप देखिए कश्मीर में भी हमारे जो मुस्लिम बहने हैं वो इतने अपनी जोश से, जुनून से ये तिरंगा उठाकर ये बोलना चाहते हैं कि हम भारतवासी हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पे ये हमारी लेडीज हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे लोग हैं, ये जो झंडा उठाकर अपने आप को ये बताना चाहें कि हम एक भारतवासी हैं और हमारा देश आज़ाद है। और ये जो सब मुमकिन हुआ है ये तो हमारे मोदी जी की देन है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उत्सव पर 75 वर्ष पूरे होने के बाद पूरे देश में जो तिरंगा में माहौल बना है, ये एक देखने योग्य बात है। पूरे भारतवर्ष में जिस तरह से हर घर तिरंगा अभियान के तहत हर घर में तिरंगा लग रहा है, उसी तरह प्रयाग मंडल में मंडल अध्यक्ष, यहाँ के सरपंच साहिबा, यहाँ के सीनियर लीडर भाजपा के, अन्य जितने भी लोग हैं, जितने सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सब लोगों ने मिलकर यहाँ पर एक छोटी सी रैली के माध्यम से सबको तिरंगा में माहौल देशभक्ति दिखाने का एक जो सपना साकार किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 370 हटने के पहले कि जम्मू कश्मीर में क्या हालात थे और अब क्या हालात हैं। एक समय हुआ करता था जम्मू कश्मीर में तिरंगा उठाने के लिए लोग डरते थे, लेकिन आप देख सकते हो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, श्रीनगर, बड़गाम, कुलगाम, हर जगह तिरंगा, हर स्कूल में, हर गली में तिरंगा लग रहा है, जो हमारे लिए बहुत फख्र की बात है। मैं आपके माध्यम से सारी जनता से अपील करना चाहूँगा, ये तिरंगा हर घर तिरंगा है, इस उपलक्ष्य में आप हर बंदा अपने घर में, हर घर में तिरंगा लहराए, ताकि हमारे देश में एक ऐसा माहौल जो क्रिएट हुआ है, देशभक्ति का माहौल क्रिएट हुआ, इस माहौल को हम और आगे बढ़ाएं।